ना इंसानियत किसी में भेदभाव करती है, ना हैवानियत। बस फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। अब बता, क्या देखा तूने उस बिल्डिंग की टेरेस पे? बता। तड़पा ले, जितना मारना है मार ले, मगर जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि मेरे जिंदा रहते हुए तू अपने गुनाह छुपा नहीं पाएगा, और ना ही तेरे डर से मैं अपना बयान बदलूंगा। मेरी आंखों के सामने तूने एक मासूम बच्ची का बलात्कार कर दिया, वैसी दरिंदे। सबूत क्या है तेरे पास? है क्या सबूत? सबूत है वो बच्ची जो शायद तेरे डर से कुछ बोलेगी नहीं, मगर मैं मरते दम तक उसका साथ दूंगी, मरते दम तक। बच्ची, इसीलिए अपने देश में हिजड़ा एक गाली है, सालों का दिमाग ही खाली है, इसीलिए भीख मांगते फिरते हैं सड़कों पर। बच्ची तो बेचारी टेरेस पे खेलते खेलते नीचे गिर गई, और आज उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। क्या है ना, मुझे हर बार कुछ नया चाहिए होता है, कुछ अलग। इसीलिए मेरी बीवी मेरे को छोड़कर चली गई, इसीलिए मुझे हर बार अलग अलग लड़कियों को और औरतों को झांसे में लेना पड़ता है कुछ अलग ट्राई करने के लिए। और जब वो तड़पती है ना, दुनिया में और कोई चीज इससे ज्यादा मजा नहीं दे सकती। एक दिन उस बच्ची को देखा मैंने, पता नहीं कहां से दिल आ गया उस पर। हाय, मासूमियत और तड़प, कसम से। वैसे तेरे जैसों के साथ कभी कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया, क्या बोलता? करें? चिल्ला और जोर से चिल्ला, इसी तड़प का तो प्यासा रहता हूं मैं। आता हूं मैं, तब तक ये तेरी खातिरदारी करेगा। अब बोल, क्या है हिजड़ा? क्या है हिजड़ा? क्या है गाली है? तेरे जैसे लोगों ने हिजड़े को गाली बना के रखा है, माँ बहनों को गाली बना के रखा है, लड़कियों को गाली बना के रखा है, जबकि असली गाली तेरे जैसे भड़वे नामर्द लोग हैं, जो अपनी हवस की आग में अंधे हो चुके हैं, अपना जमीर, दिल,
ईमान, धर्म, इंसानियत सब भूल चुके हैं। हम जैसे हिजड़े ही तेरे जैसों को उनकी औकात दिखा सकते हैं। हम जिसे दिल से दुआ दे दें, उसका हैवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसे दिल से बद्दुआ दे दें, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता।